हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियलमी 12X 5G फ़ोन है, तो रियलमी 12X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में रैम वगैरह है, तो फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं फ़ोन की रैम को रियलमी 12X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और फ़ोन की रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं रियलमी 12X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम बताएँगे कि फ़ोन की रैम को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं रियलमी 12X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। जिसमें से आपको जाना है सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो रैम को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की रैम को कैसे बढ़ा सकते हैं रियल में 12X 5G फ़ोन में, तो सिंपली सेटिंग्स है, शो हो रही है। जहाँ से आपके पास आता है अबाउट फ़ोन पे जाकर आपको रैम ऑप्शंस पे क्लिक करना है। तो रैम ऑप्शंस पे क्लिक करके फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो सिंपली देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको ऑन कर देना। ऑन करते ही रैम एक्सपेंशन ऑप्शन से आपके फ़ोन में ऑन हो जाएगा, जिसके ज़रिए आप अपने फ़ोन में 4GB 6GB तक रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से रैम को इंक्रीज़ कर सकते हैं फ़ोन में और बढ़ा सकते हैं। और ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पर जा सकते हैं, बस आपको रैम एक्सपेंशन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाएगा, जो डायरेक्टली आप इस ऑप्शंस के जरिए सेटिंग्स पे जा सकते हैं और इस ऑप्शंस को इनेबल या डिसेबल करके फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं रियलमी 12X 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।